एवरीवन, वेलकम टू पकवान रेसिपी इन हिंदी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रवा इडली टिक्का। इसे बनाना बहुत ही इजी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप वीडियो जरूर देखें। तो चलिए हम लोग फटाफट से देर नहीं करते हैं और बनाते हैं रवा इडली टिक्का। बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मैरिनेट करेंगे, तो चलिए हम लोग मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। कर्ड 2 टेबल स्पून है, 1/2 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक, 2 टीस्पून टिक्का मसाला। ये हमारा होममेड है, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये भी होममेड है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आई बटन आएगा, उसे क्लिक करके देख लें। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून साल्ट, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 पीस ऑनियन है जिसे मैं स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ कुछ इस तरह से। कैप्सिकम, इसे भी मैं स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ। 1 पीस टोमेटो है, इसे भी मैं स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ और इसका जो पल्प होता है वो मैं निकाल दी हूँ। रवा इडली 4 पीस ली हूँ, तो इसे हम लोग 4 पार्ट में कट कर लेंगे। सबको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम लोग इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुका है, अब हम लोग टिक्का को स्टिक में लगाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे ओनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, इडली। यहाँ पे मैं टिक्का रेडी कर चुकी हूँ, तो चलिए हम लोग इसे फ्राई करते हैं। टिक्का फ्राई करने के लिए हम लोग यहाँ पे तावे का यूज करेंगे और इसके फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस पे ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल हीट हो चुका है, अब हम लोग इस पे टिक्का ऐड करेंगे और इसके फ्लेम को हम लोग मीडियम कर देंगे। 1/2 मिनट बाद इसका साइड चेंज करेंगे। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब हम लोग इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। कोरिएंडर लीव्स का स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए, हम लोगों का फटाफट से इडली टिक्का बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, मैं टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।